Next is text box control, right? As the name says, text box. हम ये पर्टिकुलर कंट्रोल को टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर यूजर के पास से कोई इनपुट लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स, तो इट डजंट मीन कि वो सिर्फ इनपुट लेने के लिए काम आता है. अगर मैं लेबल की जगह कोई मुझे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है यूजर को और मैं वहां पे टेक्स्ट बॉक्स यूज करूंगी तो वो मुझे एरर नहीं देगा, राइट? So we can say कि text box control can be used to display text to the user, or we can also accept input from the user with the help of this control. By default, it can accept maximum of 2048 characters, right? By default, 2048 characters आप user के पास से input ले सकते हो या फिर display कर सकते हो. Now the difference between label and text box control is, आप रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो, लेकिन लेबल में आप रन टाइम पे टाइप नहीं कर सकते, राइट? सो हमने लेबल कंट्रोल में वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि हम टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते. इन शॉर्ट, हम रन टाइम पे वो लेबल के अंदर टाइप करके, मॉडिफिकेशन करके वो टेक्स्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते. दैट वॉज द मीनिंग ऑफ इट. सो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि लेबल कंट्रोल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो स्टैटिक होगा एट रन टाइम, मतलब मैं वहां पर टाइप नहीं कर सकती, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर मैं टाइप कर सकती हूँ. एंड अनदर डिफरेंस इज कि टेक्स्ट बॉक्सेस कैन डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, और हम वहां पे स्क्रॉल बार्स भी रख सकते हैं ताकि यूजर स्क्रॉल करके पूरा टेक्स्ट देख सके, राइट? वो हमने ऑलरेडी देखा था. That is text mode property को हमने multi-line property थी, उसे हमने true set किया था, तो text box बड़ा बन गया था जिसकी हम height and width change कर सकते हैं, और हमने scroll bar property का use करके हमने scroll bars भी उसके अंदर set किए थे. और ये हमने किया था student management system में और vehicle वाली application में, right? So students, we can say कि अगर हम text box का use करते हैं then this control will provide an interactive environment to the user, because user जो उसको text input करवाना है ताकि उसके ऊपर से processing हो सके वो possible है with the help of this text box control. उसकी properties है text property, right? So text property का use करके हम user को मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम वो टेक्स्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो हमें डिस्प्ले करना है या फिर यूजर ने जो इनपुट दिया है. मतलब इन शॉर्ट, करंटली टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है वो अगर मुझे रिट्रीव करना है, राइट, तो मैं ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. मल्टी लाइन, ट्रू और फॉल्स, मतलब टेक्स्ट बॉक्स को हमें मल्टी लाइन में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है. पासवर्ड कैर, अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू इनपुट होती है वो डायरेक्ट कैरेक्टर्स नहीं डिस्प्ले करने हैं, बट आई वांट टू डिस्प्ले सम अनदर कैरेक्टर, तो मैं वहां पे ये पासवर्ड कैरेक्टर में मैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे एस्ट्रिक होता है बिकॉज पासवर्ड हम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करते, वी डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रिक कैरेक्टर, राइट? वो हमने ऑलरेडी वो हमने पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सिमुलेशन का जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने वो देख लिया था, राइट? नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार्स, मतलब मुझे अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन सेट किया है, दैट इज मल्टी लाइन ट्रू सेट किया है, तो ऑब्वियसली वो स्क्रॉलेबल टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा. तो मुझे वहां पे सेट करना है कि मुझे कौन सी स्क्रॉल बार्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए, वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए, या फिर स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, या फिर बोथ स्क्रॉल बार्स चाहिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट? एंड अलोंग विद दैट मुझे वहां पे वर्ड रैप प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रैप प्रॉपर्टी, ये वर्ड रैप आपने नोटपैड में ऑलरेडी देखा है, राइट? जब भी ये वर्ड रैप फॉल्स होता है तो जब तक हम एक्सप्लिसिटली एंटर की प्रेस नहीं करते तब तक वो पूरी लाइन एक ही मतलब स्टेटमेंट में आएगी, एक ही लाइन कंसीडर होगी, राइट? ऑटोमेटिक वो दूसरी लाइन में नहीं चला जाएगा. लेकिन अगर मैं वर्ड रैप प्रॉपर्टी ट्रू सेट करती हूँ, राइट, सो वहां पे ऑटोमेटिकली वर्ड रैप हो जाएंगे. वर्ड रैप हो जाएंगे का मीनिंग ये होता है कि जो भी डिस्प्ले एरिया है, राइट,
वो डिस्प्ले एरिया जितना है वहां तक के कैरेक्टर्स दिखेंगे, एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली जो हम बाकी की दूसरे वर्ड्स टाइप करेंगे वो दूसरी लाइन में ऑटोमेटिकली व्रैप हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली तो ये वर्ड व्रैप प्रॉपर्टी कब हमें काम लगेगी, जब हम ये मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करेंगे तब. राइट, तब हमें देखना है कि हमें वर्ड व्रैप को ट्रू करना है या फिर फॉल्स करना है. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हमने स्क्रॉल बार्स रखे है कि नहीं रखे है. राइट, अगर हमने स्क्रॉल बार्स रखे है तो हमें वहां पे वर्ड व्रैप प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करना है. टू स्क्रॉल बार्स का मीनिंग है. ओके, नेक्स्ट इज विजिबल. मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को हिडन रखना है या फिर डिस्प्ले करना है. टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट या फिर सेंटर, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो उसका अलाइनमेंट क्या होगा. नेक्स्ट इज बॉर्डर स्टाइल. इट इज सिमिलर टू लेबल की जो बॉर्डर स्टाइल थी वो, दैट इज नन, फिक्स सिंगल या फिर फिक्स्ड 3D. लॉक प्रॉपर्टी. लॉक प्रॉपर्टी जब भी हम ट्रू करेंगे तो यूजर उसे मूव नहीं कर पाएगा और उसे रिसाइज नहीं कर पाएगा. राइट, रीड ओनली. रीड ओनली का मीनिंग ये होता है कि ऑब्वियसली हमें वो लेबल को रीड ओनली बनाना है. रन टाइम पे भी हम उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते. चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस कि हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते. राइट, बिकॉज हमें पता है कि अगर मैं अभी लेबल के अंदर डिस्प्ले करती हूँ मैसेज MESSAGE, राइट, लेकिन रन टाइम पे मुझे वो मैसेज की जगह डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो वो पॉसिबल है बिकॉज आई हैव टू जस्ट राइट दैट लेबल 1.txt इज इक्वल टू डबल कोटेशन में रिकॉर्ड इंसर्टेड. राइट, लेकिन अगर मुझे ये लेबल को रीड ओनली बनाना है, मतलब यूजर रन टाइम पे भी उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकता, तो रीड ओनली प्रॉपर्टी को मैं ट्रू सेट करूंगी. राइट, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज सिलेक्शन लेंथ, सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड सिलेक्शन स्टार्ट. राइट, अगर मुझे कोई मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ. सी, अभी यहाँ पे ये टेक्स्ट है. राइट, सो ये मैं यहाँ पे ये डिटरमाइन को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने इतना सिलेक्ट किया है. सो सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मुझे मिलेगा डिटरमाइंस. सिलेक्शन स्टार्ट प्रॉपर्टी में मतलब मुझे मिलेगा कि कहां से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब द कैरेक्टर नंबर, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो यहां से स्टार्ट हो रहा है. राइट, सो आगे के भी कैरेक्टर्स कंसीडर होंगे तो कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो ये डी स्टार्ट हो रहा है 15th नंबर के कैरेक्टर से. सो सिलेक्शन स्टार्ट में मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा, मतलब 15th नंबर के कैरेक्टर से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में स्टार्ट हो रहा है. राइट, आई एम एज्यूमिंग कि मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. आई एम नॉट एज्यूमिंग कि मेरा टेक्स्ट यहाँ से लॉक से स्टार्ट हो रहा है. राइट, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो भी मैंने लिखा है वो ये दिस से लिखा है. सो सिलेक्शन स्टार्ट में मुझे डी का पॉइंट मिल जाएगा, मतलब पोजीशन मिल जाएगी. एंड सिलेक्शन लेंथ मतलब मैंने टोटल कितने कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली मैंने आई थिंक 10 कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए हैं. राइट, सो दैट इज सिलेक्शन लेंथ प्रॉपर्टी. राइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 3 प्रॉपर्टीज, दैट इज सिलेक्शन लेंथ, सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड सिलेक्शन स्टार्ट. राइट, ऑलराइट, सो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट इज ऑब्वियसली मेथड्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. हाइड एंड शो मेथड ऑलरेडी हमने लेबल में देखी है. राइट, नेक्स्ट मेथड इज अपेंड टेक्स्ट. अगर मुझे जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करंट टेक्स्ट है उसके साथ दूसरा टेक्स्ट अपेंड करना है तो मैं ये मेथड को कॉल कर सकती हूँ. क्लियर मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा. क्लियर अंडू मतलब यूजर ने जो लास्ट थिंग जो टेक्स्ट बॉक्स की क्लियर की थी उसे अंडू करना है. राइट, मतलब मुझे वो टेक्स्ट फिर से चाहिए तो मैं क्लियर अंडू मेथड को कॉल कर सकती हूँ. अनदर इज कॉपी, कट, फिर पेस्ट, सिलेक्ट ऑल एंड अंडू. ये जो सारी हमने मेथड्स देखी इट इज रिलेटेड टू कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, अंडू. राइट, सो दिस इज द थिंग कि अगर मुझे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर, जैसे नोटपैड के अंदर हम करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, वो सारे, तो मैं ये सारी मेथड्स का यूज कर सकती हूँ. और अगर आपको याद हो तो ये हमने ऑलरेडी रिच टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर किया था. राइट, कि जब हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में
हमने सिलेबस का जो फॉर्म था राइट उसके ऊपर जो रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हमने यूज किया था राइट वहां पे हमने ये सारी मेथड्स को यूज किया है। डी सिलेक्ट ऑल मतलब जो भी सिलेक्ट हुआ है तो हमें उसे डी सिलेक्ट करना है राइट। गेट कैरेक्टर फ्रॉम पोजिशन राइट, गेट कैर इंडेक्स फ्रॉम पोजिशन। अगर मुझे कैरेक्टर को रिट्रीव करना है फ्रॉम सम स्पेसिफाइड लोकेशन तो मैं ये गेट कैर फ्रॉम पोजिशन मेथड का यूज कर सकती हूँ। गेट कैर इंडेक्स फ्रॉम पोजिशन। नाउ स्टूडेंट्स पोजिशन इज डिफरेंट थिंग एंड इंडेक्स इज डिफरेंट थिंग बिकॉज इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है राइट। सो अगर मुझे इंडेक्स चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर तो मैं ये मेथड का यूज कर सकती हूँ। गेट फर्स्ट कैर इंडेक्स फ्रॉम लाइन। जो पर्टिकुलर लाइन है ऑब्वियसली राइट पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हम ये मेथड को कॉल करेंगे। सो जो पर्टिकुलर लाइन पे राइट फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स मुझे चाहिए। स्टूडेंट हमारे या जो भी हम यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन की बात कर रहे हैं राइट आपको याद रखना है कि हम जो भी पोजीशन या फिर इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, पर्टिकुलर लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये टेक्स्ट बॉक्स को कंसिडर करती हूँ, सी अभी ये जो बॉक्स सिलेक्ट हुआ है हम ये बॉक्स को अगर हम एज्यूम करते हैं इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स। सो यहाँ पे राइट दीज आर डिफरेंट लाइन्स। सी मैं यहाँ पे जो कर्सर क्लिक कर रही हूँ वो डिफरेंट लाइन्स है राइट। लेकिन यहाँ पे जो हम पोजीशन और इंडेक्स की बात कर रहे हैं इफ वी आर टॉकिंग रिलेटेड टू दिस बॉक्स तो वो ये फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा राइट। सो ये जो जी है फर्स्ट राइट उसकी अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वो जीरो आएगा एंड पोजीशन की बात करें तो वो वन आएगा। लेकिन दैट इज रिलेटेड टू दिस टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स चाहिए मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं मुझे ये जो आई है राइट वो आई का इंडेक्स चाहिए तो ऑब्वियसली इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस जी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसी हिसाब से पहले तो ये पर्टिकुलर लाइन की इंडेक्स आएगी एंड आफ्टर दैट ये आई की इंडेक्स आएगी राइट। सो इन शॉर्ट अगर पर्टिकुलर लाइन के ऊपर से मुझे फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स चाहिए तो मैं ये मेथड का यूज कर सकती हूँ दैट इज गेट फर्स्ट कैर इंडेक्स फ्रॉम लाइन। अगर मुझे करंट लाइन की जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स चाहिए तो मैं उसके बाद की मेथड यूज कर सकती हूँ दैट इज गेट फर्स्ट कैर इंडेक्स फ्रॉम करंट लाइन राइट। अगर मुझे पर्टिकुलर लाइन चाहिए फ्रॉम कैरेक्टर इंडेक्स राइट तो मैं गेट लाइन फ्रॉम कैर इंडेक्स का यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है कि कौन सी लाइन पे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है राइट लेकिन अगर मुझे वो जेड कैरेक्टर का इंडेक्स मुझे पता है राइट फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहती हूँ कि 10th नंबर के ऊपर या फिर 20 नंबर के ऊपर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है राइट सो वो 20 इंडेक्स वाली जो लाइन है वो मुझे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट गेट पोजीशन फ्रॉम कैरेक्टर इंडेक्स। पहले हमने देखा था पोजीशन पे से इंडेक्स हमने रिट्रीव किया था लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्स पे से पोजीशन रिट्रीव करेंगे इट इज टोटली रिवर्स राइट। नेक्स्ट ये तो हमने ऑलरेडी देखा दैट इज पेस्ट सिलेक्ट ऑल एंड अंडू। एंड टेक्स्ट बॉक्स की जो डिफॉल्ट इवेंट है दैट इज टेक्स्ट चेंज इवेंट मतलब जितनी बार टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट में चेंजेस आएगा उतनी बार ये इवेंट कॉल होगी राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। अनदर बटन कंट्रोल राइट। बटन कंट्रोल क्या रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली विंडो बटन वो रिप्रेजेंट करेगा जैसे आप इमेज में देख सकते हो राइट। एंड अगर बटन को फोकस मिलता है अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स अगर बटन को फोकस मिलता है राइट तो हम उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं मतलब क्लिक कर सकते हैं कैसे माउस का यूज करके उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंटर की का यूज करके उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड स्पेस बार का भी यूज करके हम बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर बटन के ऊपर फोकस है तो राइट। अगेन आई रिपीट अगर बटन के ऊपर फोकस है तो
मतलब फॉर एग्जाम्पल रन टाइम पे ये बटन सिलेक्टेड है जो अभी आप इमेज में देख रहे हो, राइट। एज्यूम करो कि रन टाइम पे ये बटन सिलेक्टेड है, मतलब उसके ऊपर फोकस है, राइट। सो अगर ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर फोकस है तो मैं माउस का यूज करके उसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ, या फिर एंटर की अगर मैं प्रेस करूंगी तो भी ये क्लिक की तरह ही वर्क करेगा, और अगर मैं स्पेस बार यूज करूंगी तो भी ये क्लिक की तरह ही वर्क करेगा, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बटन कंट्रोल। प्रॉपर्टीज, ऑटो इलिप्स तो हमने ऑलरेडी लेबल में देखा, इट इज द सेम थिंग कि राइट एज पे वो इलिप्स के जो थ्री कैरेक्टर डॉट्स वाला जो आता है वो अपने आप आ जाएगा, ताकि पता चले कि इसके अंदर टेक्स्ट अभी और भी है, राइट। नेक्स्ट इज डायलॉग रिजल्ट, राइट। डायलॉग रिजल्ट के अंदर वो हमें क्या मिलेगा, इट विल वी कैन गेट और सेट द वैल्यू कि जो रिटर्न करेगा, राइट, कि अगर ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करता है, राइट, तो वो पेरेंट बट फॉर्म वो रिटर्न करेगा, दैट इज इट विल गेट और सेट अ वैल्यू दैट इज रिटर्न टू द पेरेंट फॉर्म व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। मतलब पेरेंट फॉर्म को हम क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, राइट, वो हम ये डायलॉग रिजल्ट के अंदर हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैट अपियरेंस एंड फ्लैट स्टाइल। अपियरेंस के अंदर कौन कौन सी चीज आएगी, we can appearance of the border color, right, hum wahan pe state b set kar sakte hain, check state ya fir mouse state, right, that is appearance, matlab wo kaise appear hoga, aur ye hum change nahi kar sakte, aap dekh sakte ho wahan pe sirf get likha hai, get or set nahi likha hai, right। students jitni bhi properties hai jiske andar get and set likha hai to uske andar hum wo particular property ki value retrieve bhi kar sakte hai aur set bhi kar sakte hai, lekin jahan pe sirf get likha hai to hum wahan pe retrieve hi kar sakte hai, wo change nahi kar sakte, set nahi kar sakte, wo automatically set ho jati hai, right। next is flat style, already ye bhi humne wo do controls jo humne dekhe wahan pe dekhi, राइट, दैट इज लेबल कंट्रोल के साथ हमने देखा था कि फ्लैट स्टाइल क्या होगी। देन ये भी सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, दैट इज इमेज इंडेक्स, इमेज की, इमेज इमेज प्रॉपर्टी एंड इमेज अलाइन प्रॉपर्टी, राइट। इमेज प्रॉपर्टी के अंदर हम इंडिविजुअल इमेज डायरेक्टली सेट करेंगे, लेकिन अगर हमें लिस्ट ऑफ इमेज या फिर कलेक्शन ऑफ इमेज में से मुझे पर्टिकुलर इमेज को यूज करना है ये बटन कंट्रोल के ऊपर, तो हम ये इमेज लिस्ट, इमेज की, इमेज इंडेक्स, इमेज अलाइन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने वो व्हीकल वाली एप्लीकेशन में किया था। नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब कंट्रोल के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो टेक्स्ट अलाइन, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर, राइट। टेक्स्ट एंड इमेज रिलेशन, अगर हम बटन के ऊपर दोनों चीज सेट करते हैं टेक्स्ट एंड इमेज, तो उसके रिलेशन हम सेट कर सकते हैं, मतलब टेक्स एंड इमेज को ओवरलैपिंग के हिसाब से सेट करना है, टेक्स ऊपर इमेज नीचे, या फिर इमेज ऊपर टेक्स नीचे, इमेज लेफ्ट टेक्स राइट, या फिर टेक्स लेफ्ट इमेज राइट, वो दोनों का रिलेशन क्या होगा वो हम ये प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। एंड यूज नेमोनिक, ये प्रॉपर्टी का मीनिंग वही है कि जो हमने लेबल कंट्रोल में देखा था, कि अगर ये यूज नेमोनिक ट्रू है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी कैरेक्टर के पहले हम एम्परसेंट लिखेंगे, राइट, सो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विल बिकम अ नेमोनिक की, दैट इज शॉर्टकट की, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। नाउ द मेथड्स एंड इवेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ऑब्वियसली बटन कंट्रोल की डिफॉल्ट इवेंट है क्लिक इवेंट, तो वो पर्टिकुलर क्लिक इवेंट के ऊपर से उसकी मेथड भी है, दैट इज ऑन क्लिक, राइट, मतलब ऑन क्लिक विल रेज द क्लिक इवेंट। परफॉर्म क्लिक मेथड है कि जो क्लिक इवेंट जनरेट करके देता है, राइट। नेक्स्ट इज नोटिफाई डिफॉल्ट, इट नोटिफाइज द बटन वेदर इट इज द डिफॉल्ट बटन सो दैट इट कैन एडजस्ट इट अपियरेंस अकॉर्डिंगली, राइट, वो डिफॉल्ट बटन है कि नहीं है, ये कब काम लगेगा। स्टूडेंट आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कोई भी वेब पेज, बिकॉज आपने प्रोजेक्ट के ऊपर वो ऑब्जर्व नहीं किया होगा क्योंकि आपने ऐसा कुछ बनाया नहीं होगा अब तक, लेकिन आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी फिलअप किया होगा, राइट, तो वहां पे आप
सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर या फिर सारे कंट्रोल्स के अंदर या फिर सारी फील्ड्स के अंदर वैल्यू सेट करने के बाद आप एंटर की प्रेस करोगे, तो वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो भी डिफॉल्ट बटन सेट किया गया होगा वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? सो सेम थिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस नोटिफाई डिफॉल्ट बटन। मुझे पता है स्टूडेंट्स, आप सारी चीज माउस से ही मतलब कोई भी थिंग हो ऑन योर डेस्कटॉप ऑन योर स्क्रीन, तो आप माउस से ही इंटरेक्ट करते हो, राइट? लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को ये हैबिट है कि माउस से ज्यादा वो कीबोर्ड का यूज करता है, तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर वो एंटर की प्रेस करता है ऑन सम वेब पेज, राइट, तो वो पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर जो डिफॉल्ट बटन होगा उसकी क्लिक इवेंट ऑटोमेटिक फायर हो जाएगी, राइट? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट बटन कंट्रोल।